दिन के 11:30 बज चुके हैं। आज तक पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पांचवें चरण के लिए 51 सीटों पर देश भर में जहां 7 राज्यों में मतदान हो रहा है, तो वहीं बड़ी खबर आपको दे दी जो ओडिशा से सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोनी तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए ओडिशा में इस वक्त मौजूद है। उनके साथ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की भी मौजूदगी है। पीएम ने तूफान से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है, जायजा लिया है और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। एक एक बात को बारीकी से वो समझते हुए ओडिशा में 2 दिन पहले फोनी तूफान आया था जिसने जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया था लोगों के जनजीवन को। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि अब तक ओडिशा में जब भी तूफान आया है उसके मुकाबले तुलना में कहा यह जा रहा है कि बीजू जनता दल की पार्टी ने, साथ ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने काफी अच्छा काम किया और इसी वजह से पहले की तुलना में इस बार नुकसान काफी ज्यादा जानमाल का कम हुआ है। तूफान राहत के लिए 1,000 करोड़ और दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। ओडिशा के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है ये भी कहा है नरेंद्र मोदी ने। और क्या कुछ कहा गया है प्रधानमंत्री की ओर से सुनिए। फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, पिछले 7-8 दिन से लगातार परफेक्ट कोऑर्डिनेशन रहा केंद्र और राज्य के बीच में। कम्युनिकेशन बहुत ही परफेक्ट रहा, राज्य सरकार की टीम भी बहुत ही प्रोएक्टिव भी थी, रिस्पॉन्सिव भी थी। मैं भी चुनाव की आपाधापी में बीच बीच में 1,000 किलोमीटर दूर जब साइक्लोन था वहीं से मैं मॉनिटर करते आ रहा था और लगातार बीच में भी मैंने मीटिंग करके उसको भारत सरकार की टीमों को एडवांस में भेजने की व्यवस्था की थी। लेकिन केंद्र राज्य सरकार की टीमें और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, यहाँ की ग्रासरूट लेवल की मशीनरी सब ने इतने कोऑर्डिनेशन से काम किया। दूसरा, मैं आज देशवासियों को भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उड़ीसा के नागरिकों ने और हमारे मछुआरे भाइयों बहनों ने सरकार की सभी सूचनाओं का पूरा पूरा पालन किया, वरना होता क्या है, हम कहेंगे मुसीबत आएगी घर खाली करो, कोई खाली नहीं करता। इस बार उड़ीसा के नागरिकों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो अभिनंदन के पात्र है, यहाँ के मछुआरे अभिनंदन के पात्र हैं। उसके कारण बहुत कम जानहानि हुई, वरना डर इतना लगता था पता नहीं क्या होगा। ऐसी विकट परिस्थिति में तत्काल जो काम है, पानी हो, बिजली हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ के लिए आवश्यक जो भी बातें हो उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। उसके लिए जो भी आवश्यकता है नवीन बाबू ने बहुत अच्छा प्लान किया है, भारत सरकार उसमें उनके साथ रह करके सारी चीजों को आगे बढ़ा पा गई है। ह्यूमन रिसोर्स की जो आवश्यकता होगी वो भी मिलेगी, मैन एंड मशीनरी की दोनों की आवश्यकता, मैन मशीनरी मनी तीनों की आवश्यकता, इन सारी बातों को लेकर के हम साथ मिलकर के काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं ओडिशा के, उनको हर तरह की मदद का आश्वासन देते हुए जमकर उन्होंने न सिर्फ ओडिशा के लोगों की तारीफ की है बल्कि नवीन पटनायक की भी की है। राजनीति के लिहाज से समझिए कुल 21 सीटें हैं ओडिशा में। 20 सीटों पर बीजू जनता दल ने 2014 में कब्जा किया था, 1 सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन आगे अगर जरूरत पड़ी तो फिर नवीन पटनायक का साथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी और इसी वजह से